चार बंद ज्यादा बंदे कठे नहीं हो सकते, मिनटो मिनट रोड छड़ दो, हम वेला कर दो, बिलकुल कोई वेहीकल नहीं रोड से लगा होना चाहिए, मिनटो मिनट कर चलो ने कार्रवाई होगी। सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला वालों सूबे के स्कूलों नूं जारी दिशा निर्देशों तों बाद भी कई स्कूल मापियां ते फीसां भराउण लई जोर पा रहे ने, जिसके चलते जलंधर के माडल टाउन के दयानंद स्कूल के बाहर 70 के करीब मापियां वालों हंगामा किया गया। इन्हां दा कहना है कि स्कूल वालों एक तो फीस जमा कराउण लई दबाव पाया जा रहा है ते दूजे पासे किताबां लैण लई भी लगातार मैसेज आ रहे हैं। मापिया अनुसार स्कूल वालों का कहना है कि जेकर स्टेशनरी उन्हां तों ना ली गई तो स्कूल तों किताबां नहीं मिलणगियां। उन्होंने कहा कि बाहरों किताबा नहीं मिल रही हैं, जिस कारण वो परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार अजिहे प्राइवेट स्कूल मालकों खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल गलत है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में मैं यही बोलूंगी, ये तो बिल्कुल नहीं बनते इनके चार्जेस कुछ भी, तो ये तो ऑनलाइन स्टडी नहीं है, ये तो जस्ट एक स्नैप होमवर्क है जो बच्चों का, वैसे भी जो बच्चे स्कूल में रेगुलर जाते हैं तो आता है, तो बस ये यही है स्नैप होमवर्क, इसको तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ ऑनलाइन स्टडी। जनरल मॉडल में पढ़ता है, जैसे कि ये पहले बोल के गए हैं कि फीस का ही है इशू, सारा फीस का ही है, वो खुद समझदारी बरतो कि कहाँ से फीस देंगे सारे, ठीक है ना, फीस कहाँ से सारे पे कर देंगे, कि मैसेज फीस का आ रहा है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन स्टडी में आप समझदार हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे में ऑनलाइन स्टडी कहाँ से वो पूरी करेंगे। कितनी फीस है, कितनी मंथली है? ट्यूशन फीस मांग रहे हैं, क्वार्टरली मांग रहे हैं, देखो आज क्वार्टरली कहाँ देंगे, नेक्स्ट फीस शुरू है, ठीक है ना, ये तो उनको खुद समझ लेनी चाहिए कि हमारी यही डिमांड है, आज यहाँ इकट्ठे होने का यही हमारा इशू था कि हम सब की फीस हमारी माफ़ की जाए। जिन्हों की वजह करके आम पेरेंट्स को हरासमेंट करते हैं, असी कला कला पेरेंट्स उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ सकते, असी इकट्ठे इस करके हुए हैं कि सानू तीन महीनों की जिहड़ी फीस लगी है माफ़ होनी चाहिए ए टू जेड, उस तो बाद जो स्कूल शुरू हो जाएंगे सारी फीस असी देंगे। जलंधर तो नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।